जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान। मैं हूं आज नगीना क्षेत्र में शांतनु चाहर के खेत में। ये कुछ लड़के हैं, नया यंग ब्लड जो ट्रेंच पे आए। ट्रेंच पे आने के साथ साथ गन्ने में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन बात ये है कि इन्होंने कहा कि भैया आप जो चीज़ें बताते हैं हम उनको शुरू तो कर दिया है, उसके बावजूद हमें साथ में गन्ना गुरु लगाना है। अब गन्ना गुरु लगाया तो गन्ना गुरु लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ दे दी और उसके बाद किसान के मुँह पर जाकर माइक लगा दिया तो किसान तो वो बोलेगा जो आप चाहोगे, जो मेरा मानना है अभी तक। तो इसलिए मैंने शांतनु से कहा था कि यदि रिजल्ट ना आए तो भी बताना, रिजल्ट आए तो भी बताना, क्योंकि अगर मैं इतनी बड़ी बात वीडियो के अंदर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी पे आप लगाओ तो उसके निश्चित रूप से रिजल्ट भी आते हैं। तो हम लोग इधर से गुजर रहे थे, एक चौपाल भी यहाँ पर करनी थी, तो शांतनु ने बोला कि भैया वो आप खेत में जरूर चलो, मुझे रिजल्ट बताने हैं और बाकी बात हम किसान से करते हैं कि उनको क्या लगा, क्या लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कुछ फ़र्क पड़े या इसके बदले में कुछ और भी बेहतर वो कर सकते थे लेकिन हमारे चक्कर में आके फंस गए या उभर गए, वो खुद बताएंगे। भैया राम राम, आपका एक परिचय और हम कहाँ पे हैं। मेरा नाम शांतनु चाहर है और ये मेरा खेत है अपना, और मैंने गन्ना गुरु की पहली टिंचिंग लगाई अभी तक। कितने दिन हो गए इसको? लगभग 40 से 45 दिन हो गए। उसके बीच में मतलब पहली ट्रिंचिंग में 25 दिन लगभग हो गया। 25 आप एक गड़बड़ कर गए कि पहले ट्रिंचिंग के बाद जो 10 दिन में हम दूसरे ट्रिंचिंग बताते हैं हाँ, वो नहीं लग पाए थे, जब भी रिजल्ट ठीक है उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं। इधर दिखाओ तो, ये देखो ये अब चालू हो गया और हाँ। अभी तो इसका खेल अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी इसमें दूसरी ट्रिंचिंग ये इसका परिवार बनना चालू हो गया। 1 2 3 4 5 मतलब अभी थे नहीं, आज से 2-3 दिन पहले कुछ था नहीं। हाँ अच्छा, ये जो निकलना है ना अब ये हाँ ये सिंगल सिंगल खड़ी थी सब जी। ये जितनी सिंगल सिंगल थी अब अभी मैं खुद आया हूँ, खुद देख रहा हूँ मैं, ये देखो जैसे वो सिंगल खड़ी थी अब निकलने शुरू हुई। अच्छा ये तो कुल मिलाकर बढ़िया चीज बनी हम लोगों ने। हाँ इसमें जब सर मैंने मतलब पहली टिंचिंग करी ना तो इसमें सुंडी उंडी भी नहीं दिखाई दी मुझे, इतना फर्क लगा। कभी रात को दूध पियो, बादाम खाओ तो उससे बॉडी मजबूत रहेगी, एक दारू पी को सो तो उससे दारू अलग तरीके से होगी। कहीं कहीं पेड़ है एक आधा, वो भी दूर तक गया तो 4 पोगी हाथ आई थी, वे भी फाड़ने पर निकाल ली तो थोड़ी सी गली हुई आई, वो तो सभी खेत तुम्हारे रहो। 5% तो नेचर को दोगे भाई, ये तो नियम मान के चलो। तो कुल मिलाकर रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा गन्ने में खूबसूरती भी है एक। हाँ मतलब दूर से देख कर लगता है कि रुकते हैं, जैसे मैंने खुद देखा, जैसे जाने वाले एक बार को देखे जरूर। अच्छा घर से दिखता है? हाँ ना ना, जैसे हम इधर आधा खड़ा रहूँ तो, पर ये कहते हैं कि हाँ यार गन्ना अच्छा बो रहा है तेरा, बहुत बढ़िया गन्ना। अभी कुछ भी नहीं है भाई साहब, अभी 2 ट्रिंचिंग और पहला स्प्रे होने के 15 दिन बाद। मैं तो वही तो सोच रहा, मैंने तो अभी पहली दी, दूसरी तो मैंने दी नहीं टाइम पे, वो गेहूँ की वजह से टाइम नहीं मिल पाया था। अभी तो लोग आके रोकना शुरू करेंगे कि यार सुनिए भैया ये कहाँ से क्या था। हाँ पानी दो, उस पर पानी के बाद पहली दूसरी, पानी के बाद दूसरा ड्रिंचिंग चालू कर दो। ठीक है, और पानी दे दो, अभी मांग रहा है पानी। हाँ सब कल परसों खींचना बहुत है, इतना काफी है। नहीं गन्ने को तो गन्ना और बांस तो एक ही प्रजाति है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं सुखाना है ना, अभी थोड़ी इसमें अनिच्छा नमी है। ट्रिलिंग फेज में आकर के पानी को रोकना है, अभी ट्रिलिंग फेज नहीं है। अच्छा अभी तो इसका जो है अभी तो इसके जड़ों पे काम चल रहा है और एक इसकी निराई गुड़ाई अगर इस समय पे हो जाए बहुत सुपर वाले रिजल्ट आएंगे। इसमें खुरपा अगर घास से मतलब नहीं है, घास है नहीं, अगर इसकी जड़ों के इस समय पे अगर काम हो जाए थोड़ा सा, चलो पानी देख कर करवा दे, खुरपा निकल जाए या वो कसला निकल जाए। हाँ वो खुरपा ही कर लेंगे, कुल मिलाकर के इसकी जो लेयर है वो तोड़ दी जाए, बड़ा शानदार वाला एक बढ़िया रिजल्ट है और अच्छी ग्रोथ करेगा, एक नंबर का। इसकी जड़ें बढ़ रही है, पर ये है कि मैंने एक चीज और देखी, यो इतनी बड़ी प्लेट भी ना तोड़ देती नीचे से। हाँ अभी तो कुछ नहीं है, अभी अगर हम और हल्का कर देंगे तो और ज्यादा करेगी, मेहनत कर रही होगी निकालने के लिए इसको। आपने अभी ट्रिलिंग पे ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान देना है जड़ों पे। तो पहले ट्रिंचिंग हो गई, दूसरे ट्रिंचिंग जड़ पे और उसके बाद में 5 दिन के बाद में पहला स्प्रे, तब तुम्हें समझ में आएगी कि ये क्या, अरे बाप रे ये क्या था ना। दिन पे दिन फर्क लग रहा है, मतलब ये देखो तुम, कुछ नहीं था जब मैं अभी 2-3 दिन में सुबह घूमता हूँ इसमें, तो कहीं जब भी ना रोज ही नया कुछ देखता है इसके अंदर। भैया तू शांतनु के पीछे मत जा, आगे इधर आ जा। अब थोड़ा सा क्या है ना कि घास वगैरह ज्यादा होगी इसमें, जैसे मोती हो दूबड़ा ना, कोई नहीं दूर इधर आ जा। इसमें जो है ना खुरपी निकलवा दो और सबसे पहले तो पानी दे दो, पानी देकर ड्रिंचिंग करा दो। पहली बात तो अभी लेबर की हमारे यहाँ समस्या है, इस समय ढूंढे से आदमी नहीं मिल रहा है। ठीक है सुनो, इसमें कुछ मत करो, अभी कितना है ये? 5 बीघा है पूरा, 1 एकड़ है। 2 लीटर फास्फोरिक एसिड छोड़ दो।
पानी के साथ वो अपने आप कर लगा है काम, जो मैं कह रहा हूँ। इतनी ज्यादा घास भी नहीं है अभी, अभी कुछ भी ना है, मतलब नीचे माल इसमें अभी फिलहाल क्या करो, अभी देखो परिस्थिति के अनुसार चलो। हमारी गाइडलाइन का एक ही फायदा है, या किसी की भी अगर आप गाइडलाइन में चलते हैं आपको रास्ता मिल जाता है कि भैया लेबर नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ। अब ये कहना बहुत आसान है कि खुरपा निकलवा दो, आदमी मिल नहीं रहा, क्यों काटने के लिए खुरपा कहाँ से निकलवाऊं, तो आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है भैया, की वजह से तो टैंच भी आए, वही बता रहा हूँ। तो अभी क्या करना है आपने, फिलहाल 2 लीटर फास्फोरिक एसिड 100 लीटर 150 लीटर 200 लीटर पानी में छोड़ के खेत में जाने दो आराम के साथ, तो वो अपना काम कर लेगा। और बाकी गन्ना गुरु का ये जो आपका पहला टिंचिंग हो गया, दूसरा टिंचिंग करो। और उसके बाद ध्यान रखना पत्ते पे ना पड़े, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पत्ते पे जाएगा तो जो पानी आप दे रहे हो पानी के साथ में यूरिया छोड़ देना। अच्छा, 15 से 20 किलो दवाई में ना यूरिया ना, 15 से 20 किलो एकड़ का, और फिर आप दवाई ऊपर से डाल सकते हो क्योंकि ये पूरा जैविक है। तो जी मैं लेकिन अगर यूरिया का आप सोचो पत्ते पे अगर पड़ेगा तो क्या लगे, या तो आपका नोजिल बिल्कुल नीचे चलना चाहिए। अब मैं अपनी बता रहा हूँ, पहला जब मैंने 8 किलो यूरिया भिगो लिया पानी में, और मैं हर कैन में एक मग्गा डालू था, और वो टिंचिंग कर रहे थे यहाँ करते थे, यहाँ लिख कर चल रहे थे। बहुत बढ़िया शानदार, जैसा हाँ, तो उन्होंने पत्ते पे अगर किसी पर लगा भी ना एक दो पे, मुझे तो कहीं दिखाई दिया ना कि पीला पत्ता मेरे पूरे खेत में। अब ये देखो, यहाँ ये देखो ये निकल रही है, जैसे ये लगा ये तो है ही, गन्ने की वो है, वो पीलेपन की नहीं है, वो इस गन्ने की है, वो है इसमें हल्का हल्का, कुल मिला के बढ़िया चीज है, बढ़िया हम लोगों ने ठीक ठाक चीज बनाई। हाँ, बाकी अब पूरा जब कोर्स लग जाएगा कहते हैं ना कि कोर्स पूरा हो गया तो और उसका जब हाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत अभी तो पहली बात नहीं किसानों के। देखो सुझाव जब तक आप नहीं सुनोगे लोगों के और सुझाव पे काम नहीं करोगे तो देखो काम इधर आ, तो अमित ये देखो फोड़ना शुरू कर दिया इसने, वही है ना जो जहाँ देखो जहाँ थी भी नहीं हो भी निकलनी शुरू हो गई। जैसे आप दूसरी करोगे फिर आपको एक अजीब से यहाँ ऐसा देखो ऐसे फैल जाएगा ये। हाँ, इससे एक फायदा हो लगा मुझे, जो मतलब खत्म हो गई थी ना बीच की एरिया जैसे हाँ। खत्म हो रही तो वहाँ पे अब निकलनी शुरू हो गई, जैसे ही अच्छा। खत्म हो गई थी देखो, मतलब जो जो खत्म हो, हाँ देखो जो खत्म जवाब नहीं थे, देखो जैसे जवाब नहीं था, यो एक जो निकला एक जो निकला, तो गन्ना गुरु करने के बाद इसको हाँ। नीचे लेके जा बच्चे, तो गन्ना गुरु करने के बाद आपका जमाव दोबारा से शुरू हो गया। जैसे एक सारी चीजें कुछ ऐसी जो वो तो है नहीं, झूमिक है फुलबिक है आपका साइकोटेनिन है पेनेट्रेटर्स है इमल्सिफ, मतलब सारी की सारी वो चीजें हैं जो गन्ने को चाहिए। बहुत बढ़िया, इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा शांतनु भाई, देखो आ गए। हाँ अभी इसको पानी लगवा दो भाई, वही है ना नौकर ने, देखो नौकर ने जो एक ही फिंगल थी मतलब आज अच्छा। से 4 दिन पहले ओके, और ये देखो ये सब मतलब एक कप खड़ी नहीं, अब ये स्थिति 4 दिन पहले सिंगल, हाँ 4-5 दिन पहले सिंगल थी ये सब, ये देखो ये सब सिंगल थी। ये पानी दिया रैंकिंग कर दी तो दूसरी 15 दिन के बाद करनी ना, 7 दिन के बाद, 7 दिन 7 से 10 दिन वो इसका गले को मैं बताता हूँ 25 से 35 दिन के बीच में, पहले देखो यहाँ थी नहीं, यहाँ पोगी थी नहीं, 2-3 दिन 45 से 55 दिन पर पहला स्प्रे। अच्छा ये कोई रोग है क्या, दिन पर दूसरा स्प्रे, ये है इसमें 110 से 120 दिन पर तीसरा स्प्रे, अपने घर बैठो। जो हमारी आज चाची दिन है एक भी लाओ, बाकी जो खा पा गई कई सारी 18 में क्या चीज, यहाँ नहीं था यहाँ कुछ था नहीं, ये अपना आप निकले, ये खरपतवार की दवा मारी ना ये उसका असर है। हाँ ये उसका 240 का हो है ऐसा ना, लिख के दवाई कितनी नकली आ रही है, कोई मुझे तो दिखना रहा कोई खरपतवार मरा हुआ इसमें, ना ना ये मोथे की थी बारीक, ये देखो मोथा पानी के बाद हुआ यो, पहले मोथा ही था यार, ये तो अभी भी हरी खड़ी, ये नहीं यो यो नहीं मरने की मोथे वाली सर, इसके लिए तो गिलाडो है, गिलाडो मैंने यूज नहीं करी भाई, वो गन्ना खत्म हो जाएगा तुम्हारा, आज प्रधान जी बता रहे थे एक आदमी ने कर दिया था ग्लाइफो, एक अलग आती वो गन्नों को भी नुकसान नहीं देती भैया, वो बात ठीक है लेकिन बचो, जैसे नैनो रखा हमारे पास नैनो यूरिया स्प्रे में ले लियो, उसे ड्रिंचिंग में नहीं ले सकते, वो स्प्रे के लिए बना है। देखो आग मतलब आग तो रोने की रौनक होगी बस, अब कोई बात नहीं, भगवान करे रोने की रौनक रहे तुम्हारे खेतों में, हम तो जो डोलने के बीच है सब 38 के भी निकल रहे हैं, ये गन्ना है कौन सा 18 अच्छा। इसका जवाब भी अच्छा ही है 118 018 ये देखो इधर बहुत बढ़िया,
ये तो तुम्हारा बीज में निकल जाएगा। भाई किसान खुश होगा तभी खेत दिखाएगा, वरना वो खेत पर लाएगा नहीं। बहुत बढ़िया। अब मैंने गन्ना गुरु लगाया तो कहने वालों ने नूबी कहा कि ये तो 18 है, तो कुदरती ऐसा होता है। मगर तो कोई बात नहीं, मैंने जी कोई बात ना, मैंने जी ये लगाई अभी लोगों की सोच। हाँ हाँ चल रही लाइट। देखो किसी को प्रतिक्रिया मत दो, मेरा अपना मानना है, करके दिखाओ, कहानी खत्म। सीधा बोलो भैया मैंने इसमें गन्ना गुरु के अलावा ये भी डाला है, तू भी डाल, गोबर खाद भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल, आ तो सही। इधर सही बात, 35,000 में मैंने गन्ना बोने से पहले पहले लगाए इसमें। मैं क्या बोलता हूँ, एक वीडियो में बोला है मैंने कि जितना खर्चा इसको ऊपर आने की बात कर रहे हो उससे 20% अगर ऊपर से पहले कर दो तो भैया जी जरूरत ना पड़ने की, यहाँ तक आने। चलो बहुत फर्क है बहुत, अभी तो वो पानी लगेगा ना, अब इसको तुरंत पानी लगवाओ। अभी शांतनु भाई कोई और आपका सवाल ऐसा कुछ हो गया मुझे पूछना तो राहुल भाई से कैसा भी पूछ सकते हो आप कहीं से भी। बस यही है, अभी तो गन्ने की शुरुआत कर रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा जानकारी नहीं। अभी लगभग 2-2.5 साल पहले पापा एक्सपायर हो गए थे, पापा ही करते थे खेती वगैरह, तो अब 2 साल से मैं अपना खेती में आया हूँ, तो ये धीरे धीरे जानकारी दी जाएंगी एकदम सटीक और सही। पर यह है कि आपसे मुझे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा था मैं, तो उससे ज्यादा अच्छी जानकारी मैं खुद करता हूँ, जैसे गोबर वगैरह का काम करता रहे, घर वाले भी कहते हैं आसपास ना तुझे और कुछ काम है क्या, गोबर में हाथ दियो जाम। पर मैं सोचता हूँ कि मैं 6-7 महीने चुप रहूंगा, उसके बाद अपना पता चल जाएगा। ऑटोमेटिक लोग, मेरी भी कभी यही स्थिति थी, तो वो ये हमारा काम है समाज को। पर ये है कि दिन पे दिन मुझे बहुत अच्छा लगता रहा, मेरा खेत भरा जा रहा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, अभी इसमें पानी दो तुम, उसके बाद तुम्हें मजा आएगा। पानी देखोगे भैया बाकी में कुछ चीज तो थी। देखो करने से ही होगा, बिना करे तो कुछ होगा नहीं। और एक और बात है, हम करेंगे तो जग करेगा, ये सोचो, घबरा के पीछे बैठने से काम नहीं चलेगा। अब वो दौर चल रहा है, अगर हमने इस दौर में मेहनत नहीं की तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए कौन मेहनत करेगा। मैं खेती को आने वाले समय था, मैं ऐसा कर दूंगा बिजनेस को, पूरी बिजनेस ही करनी है। खेती मतलब खेती की तरह खेती ना करनी। हाँ ये है बात, खेती की तरह खेती मत करो, खेती को बिजनेस की तरह करो, तब आएगा। मैं तो सीधी सी बात है, मेरा अगर गन्ना पड़ा 10 रुपए भैया बेचना तो बेचना, चाहे तू कुछ भी हो। बिल्कुल, पहले क्या था ले जा, हाँ कि वो ले जा, अरे हम तो किसान है, अरे किसान जब ही तो बनेगा जब पैसा होगा। बिल्कुल, चलो ठीक है, राम राम।